केजरीवाल से जुड़ी हुई है। अरविंद केजरीवाल की डाइट का जो मामला है वो अब कोर्ट में पहुंच गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में केजरीवाल का डाइट चार्ट दे दिया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही थी इंसुलिन नहीं मिला है, कई और अब ऐसी चीजें हैं जो कि नहीं पहुंची हैं। ईडी ने आरोप लगा दिया है कि आलू पूड़ी आम और मिठाई खा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। ईडी का ये आरोप है कि इस तरह की चीजें जानबूझ कर खाई जा रही है, जिससे कि ब्लड शुगर बढ़े। मेडिकल बेल चाहते हैं अरविंद केजरीवाल, यानी कि मेडिकल ग्राउंड पर अरविंद केजरीवाल बेल चाहते हैं, इसीलिए ईडी आरोप लगा रही है कि खाने में इस तरह की चीजों का इस्तेमाल है जिससे कि शुगर लेवल बढ़ जाए। केजरीवाल के वकील ने ईडी के दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। जेल में 48 बार घर का खाना खाया गया, सिर्फ 3 बार आम खाए हैं। अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम जो है वो पूरी कोशिश कर रही है कि वो अपने पॉइंट्स को प्रूव कर सके, इसीलिए वो बताने कि सिर्फ 3 बार ऐसा हुआ कि आम खाया गया, वरना बाकी हर बार घर का खाना खाया गया। 8 अप्रैल के बाद केजरीवाल को घर के खाने को भेजा गया है और उसमें आम नहीं भेजा गया, यह भी एडवोकेट की तरफ से जानकारी दी गई है। साथ ही साथ ईडी अपना पॉइंट्स प्रूव करने की कोशिश, और ईडी ये कहने की कोशिश कर रही है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से जो दावे हो रहे हैं वो झूठ हैं और आम आदमी आम खा रहा है। ये भी कहा गया कि आज अखबार आलू पूरी से भरा पड़ा हुआ है, कितनी बार आलू पूरी खाया गया ये सिर्फ और सिर्फ सियासत है। दरअसल आपको बता दें कि संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं वो जेल में थे कुछ वक्त पहले, जेल से बाहर निकल कर भी आए हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन भी जेल में उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। इस बात को लेकर अब ईडी की तरफ से सफाई दी गई है, एजेंसीज की तरफ से सफाई दी गई है कि भाई अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और वो इस तरह का खाना खा रहे हैं जिससे उनका शुगर बढ़े, और ये सब कुछ एक साजिश के तहत हो रहा है, इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है। और ये मामला अब बढ़ता बढ़ता कोर्ट में जा पहुंचा है। ये दोनों तरफ से आरोप लग रहे हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी आरोप लग रहा है, जैसा कि हमने देखा कि संजय सिंह ने आरोप लगाया था कि इंसुलिन उनका बढ़ रहा है, लगातार अरविंद केजरीवाल का जो शुगर बढ़ रही है उनको इंसुलिन लेने की परमिशन नहीं दी जा रही है। जिसके बाद अब ईडी की ओर से सफाई आई है, एजेंसी की ओर से कहा गया है कि जानबूझकर इस तरह का खाना खाया जा रहा है जिससे कि शुगर बढ़े, वो बल्कि डाइट में नाम भी दिया गया कि आलू पूरी वगैरह खा रहे हैं जिससे कि इंसुलिन बढ़ता है, मीठा खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें खा रहे हैं जिससे कि शुगर बढ़े और इंसुलिन की ज़रूरत पड़े, यानी कि इंसुलिन की जो ज़रूरत है वो क्रिएट की जा रही है एक साजिश के तहत। ये आरोप एजेंसी की तरफ से लगाया गया। शुभ राणा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। शुभ, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, ये संजय सिंह ये कह रहे हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है, उनका शुगर कहीं आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, एजेंसी ये कह रही है कि जानबूझकर शुगर बढ़ा रहे हैं, ऐसा खाना खा रहे हैं। जी देखिए, ये मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है और दोनों पक्षों की तरफ से जैसा आपने बताया कि आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि संजय सिंह की तरफ से, पार्टी नेतृत्व की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल पिछले 20 सालों से डायबिटिक के पेशेंट है, और साथ ही साथ पार्टी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जिन डॉक्टर को वो दिखाते हैं आखिर उनसे उनको क्यों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जांच करने की इजाजत क्यों नहीं मिल रही। दूसरी तरफ ईडी का ये कहना है कि जमानत पाने के लिए अरविंद केजरीवाल जानबूझकर ऐसे भोजन का सेवन कर रहे हैं जिनकी वजह से उनको जमानत मिले, जिनकी वजह से वो जेल से बाहर आ पाए। तो इस तरीके की जो दलील है वो दोनों पक्षों से दी गई। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से ये भी कहा गया कि आम सिर्फ एक बार ही भेजा गया। दूसरा ये भी कहा गया, जब उनसे हलवा पूरी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए ये नवरात्रों में भेजा गया था और ये नवरात्रों का प्रसाद था। इसको लेकर भी आम आदमी पार्टी जो है वो आक्रामक रूप से सामने आ रही है और बार बार ये कह रही है कि ईडी ये साजिश कर रहा है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबियत खराब हो और उनको इंसुलिन ना दे पाए। हालांकि ये मामला जो है वो अभी भी कोर्ट में चल रहा है, क्योंकि ईडी की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं बेल पर आने की ये जो साजिश है वो अरविंद केजरीवाल रच रहे हैं। जी, डाइट चार्ट जो है वो ईडी ने नहीं, तिहाड़ कोर्ट की तरफ से प्रोड्यूस किया गया है और अब इस पूरे मामले को लेकर, यानी कि डाइट पर फाइट को लेकर मामला कोर्ट के अंदर पहुंच गया है। शुभ, लेकिन सवाल ये कि अगर ईडी ये कह रही है कि जानबूझकर शुगर बढ़ाने की कोशिश है, मेडिकल ग्राउंड पर जमानत की कोशिश है, तो ये सब प्रूव कैसे होगा? वहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम की तरफ से ये कहा गया है कि घर का खाना खाया है, आम सिर्फ 3 बार खाया है, अगर पूड़ी और हलवे की बात है तो वो सिर्फ नवरात्र में आया है। ये सब प्रूव कैसे होगा कि हाँ आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, उनके वकील सच कह रहे हैं और ईडी के आरोपों में सच्चाई नहीं है?
जी देखिए, बिल्कुल ये अपने आप में ही बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। और देखिए, ये जो आर्ग्यूमेंट्स है वो कोर्ट में चल रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने ये बताया कि अब से लेकर जब से वो तिहाड़ में गए हैं, 48 बार जो है, 48 टाइम्स नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो खाना आया है, उनके घर से खाना आया, जिसमें से कुल एक बार आम आया और कुल एक बार हलवा पूरी आया। ये अभिषेक मनु सिंघवी का बयान है जो आज उन्होंने कोर्ट में दिया। दूसरी तरफ ईडी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल को जब पहले ही डायबिटीज की दिक्कत है, तो इस तरीके के वो फलों का सेवन क्यों कर रहे हैं जिनसे उनकी नेचुरल जो शुगर है बॉडी में वो बढ़ जाए। ये सब जो आर्ग्यूमेंट्स है वो कोर्ट के आगे रखे गए और जज ने इस फिलहाल कुछ समय मांगा है कि देखिए इस पर वो बातचीत करेंगे, क्योंकि देखिए ये तिहाड़ जेल अथॉरिटीज की जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री की सेहत का सवाल है। और देखिए, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भी है, तो उनकी सेहत से जुड़े आम आदमी पार्टी बड़े आरोप लगाती आ रही है, कह रही है कि अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल जो है वो लगातार किस तरीके से बढ़ता नजर आ रहा है, उनकी सेहत खराब हो रही है, और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन नहीं दी जा रही, इस तरीके के आरोप आम आदमी पार्टी के खेमे से लग रहे हैं। आरोप तो दोनों तरफ से लग रहे हैं, आरोपों में सच्चाई क्या है और पूरी तरह से सच क्या है ये कोर्ट के भीतर मालूम हो जाएगा। अभी दोनों तरफ से अपना अपना पक्ष रखने की कोशिश, तो शुभ नजारा बनाए रखिएगा। आगे जो अपडेट होगा इस खबर से जुड़ा हुआ आप ही के जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे इसी खबर के साथ। छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे, लौटेंगे फौरन, कहीं मचाइए।